वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेलकम फूडीज, आज बनाएंगे एक बहुत ही इजी और टेस्टी नेपाली डिश जिसका नाम है चुकोनी। यहाँ पर मैंने 2 कप के जितना दही जो है उसको फेंट लिया है, गाढ़ा वाला दही लिया था, और उसके अंदर पहले डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। लाल मिर्च पाउडर, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप इससे कश्मीरी लाल मिर्च डालें। एक्चुअली हम भी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी पड़ती है। उसके अलावा हम डालेंगे इसमें अमचूर, थोड़ा सा खटास देने के लिए, क्योंकि दही जो है ये खट्टी नहीं है, ये फ्रेश दही है। इनफैक्ट फ्रेश दही से ही बनाया जाता है, तो 1 चम्मच जितना इसमें अमचूर भी डलता है। इसको कर देते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ये उबले हुए आलू, 2 आलू मैंने उबाल के रखे थे मीडियम साइज़ के और कट करके इस तरीके से, और प्याज है 1 बड़ा लंबा लंबा कटा हुआ, स्लाइस्ड धनिया है और हरी मिर्च है, इसे भी मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमने ये सब मिक्स कर दिया और अब मैं इसमें एक तड़का डालने के लिए यहाँ पर अपने छोटे से पैन में मस्टर्ड ऑयल गर्म कर रही हूँ। ये एक बार गर्म हो जाएगा तो, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत गर्म हो जाता है, तो गैस बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितनी, 1 टेबलस्पून इनफैक्ट 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी, 1 मसाले वाला चम्मच हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च दोबारा से ऊपर से कलर डालने के लिए, क्योंकि तेल के अंदर जब कश्मीरी लाल मिर्च जलती है तो तेल अच्छा इसका कलर छोड़ता है मिर्च का। तो लीजिए, हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया, देखिए कितना लाइट हो गया कलर। मैंने इसको गैस से उतार दिया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और वापस से गैस पर रख देंगे 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए। ये तड़का तैयार हो गया, इसको अब हम डाल देते हैं घी में, दही में। चुकोनी हमारी रेडी हो गई, इसको अब गर्मा गर्म, ये देखिए चावल रखे हैं हमने, इसके साथ परोस देते हैं। ये गई गर्मा गर्म चावलों के ऊपर, क्योंकि इसे दही को गर्म नहीं करते हम, फट जाती है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से ही चावलों के ऊपर डाल के खाया जाता है। और ये हमारी चुकोनी हो गई रेडी। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और लाइक करते रहिए हमारा वीडियो, शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।